तो ये 5वीं सदी हिजरी के एक आलिम का हवाला है कि उन्होंने एक साथ दी गई 3 तलाक को एक मानने का फतवा दिया है, 5वीं सदी हिजरी, इब्ने तैमिया से बहुत पहले। और पीछे चलते हैं, 4वीं सदी हिजरी की बात करते हैं। 4वीं सदी हिजरी में भी ऐसे कई नाम मिलते हैं कि वो एक मजलिस की 3 तलाक को एक शुमार करते थे। इसमें एक नाम है जिसे इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन मुगीस ने अपनी किताब अल मुक़ने, जहाँ उन्होंने तवील बहस की है तलाक के मसले पर, सफ़ा 80 से लेकर सफ़ा 82 तक, उसमें उन्होंने एक और नाम जिक्र किया है, इब्ने ज़िम्बा रहमहुल्ला। उनके अल्फाज कहते हैं, कहते हैं, वबिही क़ाल इब्नु ज़िम्बा मिन शुयूखि क़ुर्तुबा शेख वक्तिना हादा, कहते हैं कि यही फतवा, यानी एक साथ दी गई 3 तलाक एक शुमार होगी, यही फतवा दिया है इब्ने ज़िम्बा रहमहुल्ला ने, जो कुर्तुबा के मशायख में से हैं, कुर्तुबा के अहले इल्म में से हैं, शेख वक्तिना हादा, हमारे इस वक्त के, हमारे इस दौर के शेख हैं। यानी इब्ने ज़िम्बा रहमहुल्ला की ये तारीफ बयान फरमा रहे हैं इब्ने मुगीस रहमहुल्ला, कह रहे हैं वो कुर्तुबा के अहले इल्म में से हैं और इस दौर के शेख हैं, शेखुल वक्त, शेखुल वक्त उनको करार दे रहे हैं कि हमारे इस दौर के शेख हैं। इसका मतलब ये एक बड़ी शख्सियत है, कुर्तुबा की एक बड़ी शख्सियत है और अहमद इब्ने मुगीस की मुआसिर है, उनके दौर की शख्सियत है, क्योंकि कह रहे शेख वक्त ही ना हादा, हमारे इस वक्त के, हमारे इस दौर के शेख हैं। और यहीं से ये भी इशारा मिला कि ये इनसे बहुत सीनियर है, क्योंकि शेख वक्तना यानी अहमद बिन मुगीस का ये कहना कि हमारे इस दौर की एक बड़ी शख्सियत, एक बड़े शेख, एक बड़े आलिम का ये फतवा है, तो उसे इशारा मिलता है कि ये इनसे सीनियर हैं, इनसे बड़े हैं। और जब हम इनको इनका बड़ा माने हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका जो असल दौर होगा, पैदाइश होगी, वो 4वीं सदी हिजरी में होगी, क्योंकि खुद इब्ने मुगीस जो ये बात कह रहे हैं, उनकी वफ़ात 461 हिजरी में, यानी 5वीं सदी के निसफ, आधे से थोड़ा आगे। अब ये इनकी तो वफ़ात है, जाहिर सी बात है किताब उससे पहले इनकी है। अब उसमें अगर ये कह रहे हैं कि हमारे वक्त के एक बहुत बड़े शेख, तो कम से कम उम्र 50 से ज़्यादा तो गालिबन होगी, यानी जन्ने गालिब है कि आमतौर से 50-60-70 साल के अहले इल्म होते, तो ये 4वीं सदी हिजरी के आलिम ये मालूम हो रहे हैं, जो इमाम इब्न मुगीस के वक्त के दौर के आलिम है। एक और नाम है 4वीं सदी हिजरी का, दूसरा नाम अहमद बिन बकी, ये 344 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, यानी ये वाज़े तौर पर 4वीं सदी हिजरी के आलिम है। और इनका फतवा भी नकल किया है इमाम इब्न मुगीस रहमहुल्ला ने अपनी इसी किताब अल मुक़ने में। और ये अहमद बिन बकी रहमहुल्ला ये साहिब तसनीफ़ हैं, बहुत सारी किताबों के मुअल्लिफ़ हैं, मुसन्निफ़ हैं। और जो इमाम साहिब तसनीफ होता है, जो आलिम साहिब तसनीफ होता है, उसके हवाले से जब कोई बात नकल की जाती है, तो ज़न्ने गालिब होता है कि यह बात उनकी किताब से नकल की है नाकिल ने, नकल करने वाले ने, सिवाय इसके कि किसी इमाम के बारे में पता चल जाए कि इस इमाम के अकवाल उसके शागिर्द भी नकल करते रहे हैं, सनदों से नकल कर रहे हैं, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्ला हैं, इमाम मालिक हैं और बहुत सारे इमाम हैं, उनके बारे में अगर कोई कौल कोई कहीं पर लिख दे कि फ़लाँ ने ये कहा, तो उसकी तहकीक की ज़रूरत है, क्योंकि उनके अखबार बहुत सारे ज़राए से आ रहे हैं, पता नहीं कौन से ज़रिए से। लेकिन इन आइम्मा के अलावा जिन आइम्मा साहिब तसनीफ़ात हैं और उनके अखबार सनदों पर वायरल नहीं हैं, तो उसके बारे में आम जन यही होगा, गालिब जन यही होगा कि ये बात उनकी किताबों से नकल की गई है। तो अहमद बिन बकी रहमहुल्ला जो 344 हिजरी में फौत हुए, 4वीं सदी हिजरी के आलिम है, इनका भी यही फतवा कई अहले इल्म ने नकल किया है और जन्ने गालिब की इनकी किताब से नकल किया है, क्योंकि ये साहिब तसनीफ़ात हैं, बहुत सारी किताबों की ये मुअल्लिफ हैं। तो ये दो नाम हैं 4वीं सदी हिजरी के जो ये फतवा दे रहे हैं कि 3 तलाक एक होगी। और इसी 4वीं सदी हिजरी में एक और बात मैं आपके सामने रखूँ, इमाम अबू जाफ़र अतहावी रहमहुल्ला, इमाम तहावी रहमहुल्ला जो अहनाफ़ के बहुत बड़े इमाम हैं, सिका मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, इनकी किताब है शरह मानी लासर, जिल नंबर 3 सफ़ा नंबर 55 पे क्या फरमाते हैं वो भी देख लें। 4वीं सदी हिजरी के ये आलिम हैं। इमाम तहावी रहमहुल्ला क्या फरमाते हैं, फ़ज़हब क़ौमुन इला, कि एक कौम, एक जमात, उलमा की एक जमात इस तरफ गई है कि अन्न रजुला,
कि अगर आदमी इदा तल्लका इमरातहु सलासन मअन, कि अगर किसी आदमी ने अपनी बीवी को तीन तलाक एक साथ दे दिया, फकद वकअत अलैहा वाहिदा, तो ये तीन तलाक एक ही वाकई होगी। ये कौन कह रहे हैं? ये इमाम तहावी रहमहुल्लाह फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? जहाबा कौम, एक कौम, एक जमात, यानी अहले इल्म की एक जमात की यह राय है कि अगर किसी आदमी ने अपनी बीवी को तीन तलाक एक साथ में दे दिया तो वाकअत अलैहा वाहिदन, तो एक ही वाकई होगी। शरहो मानी लासार जिल 355 पे ये बात इन्होंने कही है। और इसी दौर के ये अहमद बिन बकी और यही सारे उलमा हैं जिनके हवाले से नकल किया जा रहा है क्या कि एक मजलिस की तीन तलाक को एक मानते हैं। इमाम तहावी रहमुल्ला की इस साफ और सरीह बयान से और ताइद होती है कि वाकईतन इस दौर के उलमा का, चौथी सदी हिजरी के उलमा का ये फतवा रहा है। कहते हैं कि सातवीं आठवीं सदी हिजरी में आके इमाम इब्न तैमिया ने एक फतवा दे दिया तीन तलाक एक होगी, और ये चौथी सदी हिजरी में एक हनफी मुहद्दिस ऐलान कर रहे हैं ज़हबा कौम, एक जमात, अहले इल्म की एक तादाद इस तरफ गई है कि तीन तलाक कोई दिया तो एक शुमार होगी। और इसी दौर यानी इमाम तहावी ही के दौर चौथी सदी हिजरी से मैंने दो नाम पेश किए जिनके नाम से सराहतन ये फतवा नकल किया जाता, साफ पता चलता है कि इन हजरात ने अपनी किताबों में बात लिख रखी है और वही बात इमाम तहावी के भी सामने है और इमाम अहमद इब्ने मुगीस रहमहुल्लाह के सामने भी है। तो ये चौथी सदी हिजरी के कुछ हवाले थे।